हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, एक है यस बैंक तो एक है ट्राइडेंट लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन रहा, तो वहीं यस बैंक के लिए आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि SBI की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में यस बैंक के लिए। तो वहीं और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि इन दोनों शेयर से रिलेटेड निकल के आ रही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आज आप यहाँ पर देखोगे तो 5% का अपर सर्किट आपको फिर से देखने को मिल गया है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन तेजी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिन ब दिन देखने को मिल रही है, और जिस अकॉर्डिंग इस शेयर ने अभी तक ग्रोथ दिखाई है, बहुत जल्दी हो सकता है दिसंबर स्टार्टिंग तक ही आपको ₹50 के जो टारगेट है वो अचीव होते हुए नज़र आ जाए। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो बहुत ही जल्दी ये शेयर आपको ₹50 के टारगेट टच करते हुए दिखा सकता है। यहाँ पे हम बात करें आज के कारोबार के बारे में, तो यहाँ पे BSE का आप डेटा देख पा रहे होंगे, जिसमें वॉल्यूम तो आपको ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें आपको अपर सर्किट लगते हुए नजर आ गया था, लेकिन वहीं अगर आप देखो डिलीवरी परसेंटेज 60% से भी ज्यादा नजर आती है। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। वहीं हम टोटल वॉल्यूम NSE और BSE का मिलाकर यहाँ पे आज के दिन का देखें तो करीबन 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नजर आता है। आप कंपैरिजन यहां पे देख ही पा रहे होगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड जिस अकॉर्डिंग यहां पे रिटर्न देने वाला है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब जिन भी लोगों ने इसको कम प्राइस पे उठाया था वो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा बेहतरीन इनकम यहां से कमा चुके होंगे। बाइंग एंड सेलिंग साइड के बारे में बात करें तो बायर्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो कि चांसेस निकल के आते हैं कल भी आपको यहाँ पे भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में। बाकी आगे कौन कौन से लेवल्स हैं जो आपको ये शेयर दिखा सकता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, पिवट टेबल आपके सामने देखने को मिल रही है, जिसमें R1, R2 और R3 यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रही है कि अगर इसमें कोई गिरावट या फिर उछाल आता है तो कौन कौन से लेवल्स हैं जो ट्राइडेंट लिमिटेड यहाँ से आपको दिखा सकता है। तो यहां से मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड अगर अब भी आप एंट्री लेते हो तो डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के लिए इसको आप खरीद कर रखें, ताकि यहां से जो इसमें मल्टी वगैरह रिटर्न आने वाले हैं उसका फायदा आपको पूरी तरीके से मिल सके। क्योंकि ये शेयर एक टाइम पे ₹6 का हुआ करता था, और आज अगर आप देखोगे तो करीबन ₹50 के लेवल तक जाने का पूरा ट्राई किया जा रहा है। तो इसमें आज कोई पर्टिकुलर अपडेट्स नहीं है, जस्ट नॉर्मल सिनेरियो रहा है। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक अगर आप यहां पे देखोगे तो आज आपको फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है, ना ही कोई अपसाइड मूवमेंट ना ही कोई डाउनसाइड मूवमेंट, और यही सिनेरियो आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत दिनों से अगर आप देखोगे तो यस बैंक में देखने को मिल रहा है। ₹13 से अभी भी आपको ये ऊपर के लेवल पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो चुका है 14 से ₹13 के बीच में ट्रेड करते करते, कोई भी बड़ा मूवमेंट आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट कुछ अपडेट निकल के आ रही है जो कि मैं आपको अब इस बता देता हूं। यहां पे मैं एक एक करके सिनेरियो आपको समझाता हूं कि कैसे मार्केट में यस बैंक के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है, और क्या ये सच में एक बड़ी नेगेटिव न्यूज है या फिर ये एक नॉर्मल न्यूज को एज अ नेगेटिव न्यूज दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे निपॉन इंडिया की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो अक्टूबर का आपको डेटा देखने को मिल रहा है उसमें आपको निपॉन ने अच्छी खासी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए नजर आए हैं। क्वांटिटी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितनी क्वांटिटी और इंक्रीज की है यस बैंक में निपॉन इंडिया ने। बाकी परसेंटेज वाइज चेंज तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे नजर डालें ICICI प्रूडेंशियल की तरफ
तरफ से तो करीबन 5.5% से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन बात निकल के आती है। वहीं आप UTI के फंड्स की तरफ से भी देखोगे तो 5% से भी ज़्यादा की इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो ये इंडिया के सबसे अच्छी AMCs अगर आप देखोगे, जिसमें आपको निपॉन देखने को मिलता है, ICICI प्रोडेंशियल देखने को मिलता है, UTI देखने को मिलता है, इन लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग्स इंक्रीज की हैं यस बैंक में, लेकिन इस चीज़ को अभी तक एज ए पॉजिटिव न्यूज नहीं दिखाया गया है। अब मैं आपको जो SBI की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे SBI के एक म्यूचुअल फंड ने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक में करीबन 0.5% की होल्डिंग को डिक्रीज किया है। पूरा 1% भी आपको नजर नहीं आ रहा है, करीबन 0.53% के आसपास जो डिक्रीमेंट है वो देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर न्यूज को मार्केट में बनाया जा रहा है कि SBI ने भी फाइनली यस बैंक का साथ छोड़ दिया है, यानी कि यस बैंक में से SBI ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया है, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये तो आपको देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर SBI का एक फंड है जिसने यहां पर डिक्रीमेंट किया है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर न्यूज को जो हाइप क्रिएट करी जा रही है वो बिल्कुल भी सही नजर नहीं आती। मैंने आपको यहां पे एक्चुअल डेटा दिखाया है कि जो डिफरेंट AMCs हैं उन्होंने कितना कितना इंक्रीमेंट किया है। बाकी अगर आप यहां पे देखोगे तो पर्टिकुलरली SBI ने कितना यहां पे डिक्रीमेंट किया है, तो यहां से आपको पूरी चीजें समझ में आएगी कि जहां पे मेजॉरिटी पार्ट इंक्रीज कर रहे हैं यस बैंक में, वहीं अगर एक 0.5% का डिक्रीमेंट आता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, या फिर मेजॉरिटी जो इंक्रीमेंट आया है वो ज्यादा मेजर आपको माना जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या ये जो न्यूज निकल के आई है SBI की, वो क्या बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज साबित हो सकती है यस बैंक के लिए, या फिर ये भी एक नॉर्मल न्यूज की तरह यहां पे काम करने वाली है। आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसे मुझे भी आगे चीजों को समझने में भी काफी ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिलता है। तो यहां पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को मैंने बता दिया है, बाकी अगर आप यहां पे शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 13 रुपए का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, क्योंकि 13 से 13.5 का जो मूवमेंट है वो यस बैंक आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। उस अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे शॉर्टर टर्म या फिर इंट्राडे प्ले करना चाहते हो तो यहां पे इन पर्टिकुलर लेवल्स आप देख सकते हो। बाकी मैंने हमेशा से आपको यही सजेशन दिया है कि अगर आपने निवेश कर दिया है यस बैंक में तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आपने जितना भी यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है वो तो रही और उसमें अच्छी खासी आपको जो ग्रोथ है वो मिलते हुए नजर आ जाए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि SBI का ये जो फैसला है क्या वो सच में बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है या फिर जस्ट एक नॉर्मल न्यूज निकल के आती है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।